जूही चावला का नाम लेते ही याद आती है वो चुलबुली सी अदाकारा जिनकी खूबसूरती और हंसी के दीवाने कई थे। वो जो अपनी दो ही फिल्मों से लाखों लोगों की चहेती स्टार बन चुकी थी। 1984 में मिस इंडिया बनने के बाद से ही जूही ने पलटकर नहीं देखा और देखते ही देखते उनका नाम 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में होने लगा। पहली फ्लॉप फिल्म थी सल्तनत और दूसरी सुपरहिट फिल्म थी कयामत से कयामत तक। 1984 से लेकर 1995 तक 11 सालों में जूही ने वो मुकाम हासिल कर लिया था कि उन्हें 90 के दशक की सफल हीरोइन कहा जाता था। फिर अचानक 1995 में जूही ने गुपचुप तरीके से जय मेहता से शादी कर ली। अब जूही ने इसका राज खोल दिया है। 1995 में जय मेहता से शादी करके जूही चावला ने कई दिल तोड़ दिए थे। जूही उस समय अपने करियर के उस मुकाम पे थी जहां वो पीछे पलटकर नहीं देख रही थी, लेकिन फिर भी जूही ने सभी की उम्मीदों के परे जय मेहता से शादी कर ली। पर इसका कारण क्या था? जूही चावला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का राज खोला है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी शादी को छुपाया था। जूही चावला ने बताया कि जब वो पहली बार जैसे मिली थी तब उन्होंने फिल्म करना शुरू भी नहीं किया था, वो भी बहुत कम समय के लिए मिली थी और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। लेकिन बाद में जूही और जय सालों बाद किसी दोस्त की डिनर पार्टी में दोबारा मिले थे। जूही ने बताया कि वो और जय काफी करीब आ गए थे। जहां भी जूही जाती वहां या तो जय मौजूद होते या फिर जूही के लिए गिफ्ट होते। ऐसे में जूही जय को काफी पसंद करने लगी। दोनों ने 1995 में शादी कर ली, पर जूही को करियर की भी चिंता हुई। तभी उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी रचाई, फिर अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गई। जिस समय जूही की शादी हुई थी उस समय इंटरनेट नहीं था और इसलिए वो अपनी शादी की बात को छुपा पाई थी। जूही और जय मेहता 25 सालों से साथ हैं और उनके दोनों बच्चे जानवी 19 साल की हैं और अर्जुन 16 साल के। उनका परिवार पूरा कर चुके हैं। चावला बॉलीवुड की टॉप एक्टर्स तो थी ही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। जूही ने जैसे शादी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना भी किया। जय पहले से ही शादीशुदा थे, हालांकि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। जय की पहली पत्नी थी यश बिरला की बहन सुजाता बिरला, प्लेन क्रैश में मारी गई थी। जय और जूही उस समय एक दूसरे को जानते तो थे और शायद पसंद भी करते थे, लेकिन जय के शादीशुदा होने के कारण दोनों ने वो फैसला लिया जो सही था। इसे असल में किस्मत ही कहेंगे कि जूही और जय की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। राकेश रोशन की फिल्म कारोबार की शूटिंग के दौरान जूही को राकेश रोशन ने अपने दोस्त जय से मिलवाया था। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये जोड़ी हिट हो गई थी। वैसे तो जय और जूही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार मिले, लेकिन कुछ भी रोमांटिक उनके रिश्ते में नहीं था। जय उस समय सुजाता के साथ थे और वो एक अच्छे पति थे और जूही अपनी फिल्मों में व्यस्त थी। लेकिन सुजाता के प्लान क्रैश के बाद ही जय और जूही की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। जूही चावला और जय की शादी में कई मुश्किलें आई। शुरुआत में जूही अपने रिश्ते को कोई नाम देने के लिए तैयार नहीं थी, पर धीरे धीरे वो बदल गई। जय का व्यक्तित्व उन्हें काफी अच्छा लगता था और जय काफी रोमांटिक भी थे। फिर जय मेहता की माँ की तबीयत खराब हुई और जूही ने उनकी काफी सेवा की। इसके बाद गुपचुप तरीके से सिर्फ कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में इनकी शादी हुई। फिर भी दोनों ने इसे कुछ समय तक छुपा कर रखा। जूही और जय की शादी को कुछ ही समय हुआ था कि 1998 में जूही की माँ मोना चावला का देहांत हो गया। ये कार एक्सीडेंट के कारण हुआ था। जूही को उस वक्त संभालने के लिए जय ने काफी मेहनत की थी। हादसे से जूही उभरी ही थी कि जूही के भाई बॉबी चावला की मौत भी एक बीमारी की वजह से हो गई। शादी के बाद शुरुआती दौर में ही ये सब होना जूही को काफी परेशान कर गया, लेकिन जय ने उस समय जूही का पूरा साथ दिया। जूही ने सिनेमा से कुछ समय का ब्रेक ले लिया और 2001 में जूही ने जानवी को जन्म दिया और 2003 में अर्जुन को। थोड़े समय ब्रेक के बाद अब जूही वापसी कुछ फिल्में कर चुकी हैं। वैसे आपको जूही चावला कैसी लगती थी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।